हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। आ जाइए फटाफट से। वेरी गुड इवनिंग ऑल, गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल। आ जाइए फटाफट से। कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए फटाफट से। एकदम बढ़िया सब। चलिए बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है नोट सेट के लिए। अभी आप सभी का सेंटर आ चुका होगा, आप लोगों को एडमिट कार्ड भी मिल चुके हैं आप लोगों के। आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आप लोगों को जरूर मिलेगा। कि आप में से कोई भी ऐसा दास ना हो कि गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कि यही तो मतलब नोट सेट जो है तैयारी हर बच्चा करके जाता है। यहाँ दिक्कत जो है सब बात करें, अगर हम लोग बात वहाँ पर प्रेशर को हैंडल कर, आप प्रेशर को हैंडल तरीके से कर पा, ये सबसे ऊपर इस मेन बात होती है। आप जो प्रेशर है उसको तरीके से फेस कर रहे हैं, उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आवाज नहीं आ रही क्या? मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सही एकदम? वॉइस देखिए, साउंड प्रॉब्लम, आवाज कट रही है। आवाज अभी ठीक है ना? ओके, करी क्या बता देंगे एक बार। मैं ऑडिबल, अभी ठीक आ रही है आवाज सभी को? मैं ऑडिबल, आवाज ठीक आ रही है एकदम, बता दीजिए एक बार फटाफट से। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बता दीजिएगा आप कोई भी दिक्कत आए। चलिए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। देखिएगा आप लोगों को मैं जो भी अब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा यहां से आप लोगों को जरूर एमसीक्यू मिलेंगे गारंटी के साथ में। और मैं आप लोगों को इस नेक्स्ट जो हमारी ये जो सेशन है हमारा, इसमें ऑलमोस्ट सारा माइक्रोबायोलॉजी करा दूंगा। इम्यूनिटी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गया, बैक्टीरिया के फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, स्टरलाइजेशन, सब कुछ करा दूंगा मैं आप लोगों का। पर ऑल यू हैव टू डन, आपको क्या करना होगा, आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में।
सबसे पहले बात करें किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। देखिएगा इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन आना जो फिक्स है वो हर बार आता ही आता है। देखिएगा इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता, द फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की, हमारी इम्यूनिटी की, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, इम्यूनिटी के। अब देखिएगा इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। देखिए मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट समझा रहा हूं, और अगर आपने ये फ्लो चार्ट समझ लिया तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, गारंटी के साथ। चलिएगा देखिएगा इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली इम्यूनिटी जिसका नाम है इननेट इम्यूनिटी, इननेट एंड द सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड कौन सी होती है, एक्वायर्ड। सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जो हमको जन्म से मिली है, इननेट का मतलब होता है कि वह इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट ऑब्टेन फ्रॉम अवर बर्थ, वह इम्यूनिटी जो हमको हमारे जन्म से मिली है, जो हमको हमारे बर्थ से मिली है, क्या कहलाती है, इननेट इम्यूनिटी कहलाती है, जन्मजात, हिंदी में बोलते हैं इसको जन्मजात। वह इम्यूनिटी जो इन इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम बर्थ, जो हमको जन्म से मिली है, मतलब वो सबको मिली है, ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिक मिली है, किसी को स्पेसिफिक मिली है, इननेट बाय बर्थ, इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से मिली है वो क्या कहलाती है, इननेट इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे एग्जांपल देखिएगा, सभी के अंदर हम सबको जो है, एग्जांपल बात करें, हम सबको WBC मिली है, हम सबको बोन मैरो मिला हुआ है, हम सबको हमारी स्किन मिली हुई है, हम सबको टीयर्स मिले हुए हैं, हाँ ये सब में होता है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक, सब में होगा, स्किन, WBC, बोन मैरो, टीयर्स, सब में होता है, सब में। पहला सवाल यहां पर आपसे पूछा जा सकता है या इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है और इननेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स क्या हैं, आप लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत, लिम्फोइड हो गया, सब कुछ आ जाएगा, क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं, अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। अब देखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। क्या बोला मैंने, है एक्टिव, एक है पैसिव। ध्यान देंगे जो एक्वायर्ड है ये दो तरीके की होती है, एक्टिव और एक होता है पैसिव। क्या होता है एक्टिव, दोनों का मतलब समझिए। एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। मैं क्या लिख रहा हूं, एक्टिव मींस बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी क्या करती है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैसिव मतलब जिस बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, बॉडी नॉट प्ले इंपॉर्टेंट। यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आगे, एक्टिव दो तरीके की होती है, एक्टिव जो है ये भी दो तरीके की होती है, पैसिव भी दो तरीके की। एक्टिव दो तरीके की होती है,
एक होती है आर्टिफिशियल, होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल। इधर भी दो तरीके की होगी, इधर भी दो तरीके की होगी। देखिएगा, इधर भी दो तरीके की होगी, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। देखो, देखिएगा, देखिएगा MCQs तो अभी आपको कर लेंगे, तो मतलब होता है कैसे तुक्का मारना कि अभी आप जैसे कमेंट्स चलेंगे एक साथ सारे के सारे लोग बोलने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी समझ में आती होगी तो आपको कभी भी MCQ गलत नहीं होगा। इसका मैं आप लोगों को अभी लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा। जो MCQs में लेकर आया हूं वो आपको हर टॉपिक से MCQ मिलेंगे, लेकिन वो कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कभी गलती कर ही नहीं पाओगे। देखिएगा, अब ध्यान दो थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं पहले आपको एक्टिव के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं? एक्टिव के बारे में। देखिएगा, एक्टिव, एक्टिव कितने तरीके की बताई मैंने? एक्टिव दो तरीके की बताई मैंने। क्या क्या बताया? एक मैंने बताया आर्टिफिशियल, सेकेंड वन नेचुरल। हाँ देखो, थ्योरी का देखिएगा। अब देखो, आर्टिफिशियल का मतलब समझो भैया, हमने पहले ही कह दिया है कि एक्टिव में हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम एक्टिव में क्या होता है, हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पैसिव में हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। देखिएगा कैसे भैया, हम लोग क्या करेंगे आर्टिफिशियल के अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं। जैसे मान के चलिएगा कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, हमने क्या किया, हमने इम्यूनाइजेशन करवाया, वैक्सीन लगवाई। आप लोगों ने सबने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाई। ध्यान से सुनना, अब ये स्टोरी समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने क्या करवाया, आपने वैक्सीन लगवाई, ठीक है, आर्टिफिशियली लगवाया आपने। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया, वॉल्यूम प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक सेकेंड रुकेंगे। वॉल्यूम देख लीजिए, देखो हमने क्या करवाया, हमने वैक्सीन लगवाई, ठीक है, आर्टिफिशियली लगवाई, आपने खुद ने लगवाई है। आपने क्या करवाया है, वैक्सीन लगवाई। अभी ठीक आ रही है आवाज? देखिएगा, हमने वैक्सीन लगवाई, कि वैक्सीन हो सकता है हमने किल्ड फॉर्म में लगवाई है। कैसी वैक्सीन लगवाई हमने? किल्ड वैक्सीन लगवाई है। अब क्या हुआ, ये वैक्सीन क्योंकि किल्ड फॉर्म में है, और ये भी क्या है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, मतलब पर कैसे फॉर्म में है, डेड फॉर्म में है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ गया। हमारी बॉडी ने जैसे ही, हमारी बॉडी के अंदर होती है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। कौन सी सेल्स होती है? टी लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट्स ने इनको देखा, और सबसे पहले किसने, सबसे पहले देखा इनको किसने? टी हेल्पर ने। सबसे पहले किसने देखा? टी हेल्पर सेल ने इनको सबसे पहले देखा इनको, कि भैया हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से फॉरनर पार्टिकल आ गया है। अब हमारी बॉडी को यह नहीं पता कि ये जिंदा है या मरा हुआ है, हमारी बॉडी के लिए तो वो फॉरनर पार्टिकल है, ठीक है।
तो हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेनर पार्टिकल आ चुका है, ये बात सबसे पहले किसको पता चली? टी हेल्पर को। टी हेल्पर ने मैसेज भेजा किसको? टी हेल्पर ने मैसेज भेजा टी किलर सेल को। टी किलर सेल को, इसको मैसेज गया टी किलर सेल को, और टी किलर सेल क्या करके आई? टी किलर सेल आई और टी किलर सेल ने इस फॉरेनर पार्टिकल को बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की सहायता से क्या कर दिया? एंटीबॉडी की सहायता से इस फॉरेनर पार्टिकल को मार दिया। इसने टी किलर सेल ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में अब मैसेज गया टी किलर के पास से टी मेमोरी के पास में, या पहले मैं बात करूं यहां से, क्योंकि टी किलर ने अब मार दिया, अब टी किलर को क्या करना है? रोकना है। तो फिर सेल आई टी सप्रेसर सेल। कौन सी सेल आई? टी सप्रेसर सेल। और टी सप्रेसर सेल ने क्या किया? टी किलर को रोक दिया कि हां भैया अब रुक जाओ, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया है, ठीक है। अब क्या होगा? इसके बाद में आती है टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल, और ये क्या कर लेती है? ये इस पूरी चीज को याद कर लेती है कि भैया ऐसा एक पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया था जिसने क्या किया, जिसकी वजह से सबसे पहले टी हेल्पर एक्टिवेट हुई, फिर यहां पर टी किलर ने उसको मार दिया। किस एंटीबॉडी की सहायता से? एंटीबॉडी की सहायता से टी किलर ने उसको मार दिया। अब क्या होगा? टी मेमोरी ने सारी बात नोट कर ली। हमारी बॉडी के अंदर क्या बन चुकी है? हमारी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। अगेंस्ट कि जो भी हमने वैक्सीन लगवाई है, जैसे मान लीजिए आपने बीसीजी की वैक्सीन लगवाई है, किसी की भी लगवाई, मान लीजिए आपने बीसीजी की लगाई है, अब बीसीजी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन चुकी है? एंटीबॉडी बन चुकी है। इन फ्यूचर अगर कभी गलती से भी बीसीजी की वैक्सीन आ गया, बीसीजी का या टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी उसको खत्म कर देगी। हमने पहले क्या बोला है कि एक्टिव में, हमने सबसे पहले बताया एक्टिव में क्या होता है? बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें सबसे पहले क्या बताया? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल में हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से बाय द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन की सहायता से हम लोग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। पहली बात क्लियर है। अब ये तो हमने आर्टिफिशियली करवाया कि हमने खुद से वैक्सीन लगवाई है। आपने कोविड की वैक्सीन खुद ने लगवाई है। क्यों लगवाई है? ताकि फ्यूचर में कभी अगर आपको कोविड आ जाए, कोरोना आए, तो आपके बॉडी में उसके लिए पहले से एंटीबॉडी तैयार होनी चाहिए, इसलिए आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई। पहली बात क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए, यहां तक की बात समझ में आ रही है? पहली बात क्लियर है। चलिए अब नेचुरल में क्या होगा कि भैया आपकी बॉडी में क्या हो जाए? कोई नेचुरली डिजीज आ जाए, डिजीज अकर, डिजीज और इन्फेक्शन अकर, नेचुरली क्या हो जाए बॉडी के अंदर? कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन हो जाए, नेचुरली कोई डिजीज या कोई क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए, और क्या हो? उसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाए या इम्यूनिटी क्या हो जाए? इम्यूनिटी प्रोडक्शन हो। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई डिजीज हुई, मान लीजिए हमारे शरीर में टीबी हो गया, मान लीजिए टीबी हो गया, अब उस टीबी के अगेंस्ट भाई अब टीबी का आपने इलाज करवा लिया पूरा, आपकी बॉडी में अब क्या बन चुकी है? आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है। तो इन फ्यूचर वो कभी वापस से अगर टीबी आएगा, तो आपकी बॉडी में पहले से ही क्या बना हुआ है? एंटीबॉडी बना हुआ है, और वो डेवलप नहीं हो। क्लियर है बात? तो भैया पहली मैकेनिज्म थी एक्टिव, और एक्टिव में हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भले ही आप आर्टिफिशियल करवा लीजिए कि आपने बाहर से क्या किया, आपने वैक्सीनेशन लगवाई, और उस वैक्सीनेशन के चक्कर में आपकी बॉडी में क्या हो गया? इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गई, या फिर आपके सच में कोई डिजीज हो गई, इंफेक्शन हो गया, और उसकी वजह से क्या हो गया? आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोडक्शन हो। क्लियर है क्या बात? पहली बात ये तो बात की किसके, हमने एक्टिव के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में? पैसिव के बारे में। पैसिव में मैंने बताया है कि हमारी बॉडी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। पैसिव में क्या होता है? हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। हम लोग बनी बनाई एंटीबॉडी, हम लोग क्या रेडीमेड एंटीबॉडी, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये भी दो तरीके की होती है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है
नेचुरल, इन क्या होता है नेचुरल। देखो क्या होगा, हमने पहले ही बता दिया कि भैया इसमें हमारी बॉडी जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करती, मतलब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब इम्यूनिटी कहां से बनी, बनाई इम्यूनिटी बाहर से लेकर आनी पड़ेगी हमको। कैसे, जैसे आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट बॉडी, तो क्या करते हैं बनी बनाई जो एंटीबॉडी है उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका एटीएस एंटी टिटनेस सीरम, एआरवी एंटी रेबीज वैक्सीन, या उसके अलावा कोई सीरम हो गया प्लाज्मा सीरम हो गया, या उसके अलावा जैसे आप लोग स्नैक ने काट लिया, स्नैक ने सांप ने काटा आपको और आपने जो एटीन्यूटेड वैक्सीन लगवाई है, बनी बनाई तो लगवाई है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही तो लगवाई है। ये थोड़ी ना कि आपको सांप ने काट लिया और अब आप इंतजार कर रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं काट लिया मेरी बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बना लेगी। कितना समय लगेगा एंटीबॉडी बनाने में, कितना समय लगेगा, तब तक आप 3 बार मर चुके होंगे, तब तक आप 3 क्या 10 बार मर चुके होंगे, इतना टाइम लगेगा एंटीबॉडी बनने में। तो इसलिए आपने क्या किया, बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आपने क्या करी जो है इंजेक्ट करवा ली, एंटी विनोम आपने क्या कर ली। बताओ बॉडी को इसमें कुछ करना पड़ा क्या, हमारी बॉडी को इसमें कुछ करना पड़ा क्या, कुछ नहीं करना पड़ा। हमने साफ लिखा था कि बॉडी नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, बॉडी कोई रोल प्ले नहीं करती है, जो कुछ होता है बाहर से होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी समझाता हूं, एक स्टोरी बताता हूं। एक घर में एक पति पत्नी रहते हैं, एग्जाम्पल समझना, अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे। एक घर में पति पत्नी रहते हैं, ठीक है। अचानक एक दिन पति ने क्या हुआ, पत्नी को कॉल किया कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान, अगर सोचो पति के साइड के मेहमान आए तो पत्नी मुंह फुला लेगी, क्यों आ गए मेहमान। लेकिन अगर वो मेहमान पत्नी की साइड के, पत्नी के घरवालों की तरफ से हुए तो वो खुश हो जाएगी, चिलचिला उठेगी और बोलेगी कि हाँ खाना बनाना पड़ेगा। पति ने क्या किया, एक दिन गलती से एक प्रैंक करने के लिए कॉल कर दिया कि भैया तुम्हारे घर से मेहमान आ रहे हैं खाना बना लो, तो आर्टिफिशियली उसने गलत न्यूज दी। उसने क्या दी, उसने न्यूज दे दी कि भैया मेहमान आ रहे हैं, गलत, भले फॉल्स थी, भले ही वो न्यूज फॉल्स थी, लेकिन हमारी बॉडी ने, हमारी जो मतलब जो भी पत्नी है उसने क्या किया, उसने खाना बना लिया। इम्यूनिटी बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बॉडी ने इंपॉर्टेंट रोल किया या नहीं किया, क्लियर है बात। अब क्या हुआ, ये तो प्रैंक किया था, एक दिन अचानक से मेहमान आ गए, मेहमान बोले तो डिजीज आ गई, सच में डिजीज आ गई। और अब डिजीज जब मेहमान आ गए तो उनकी खाना तो बनाना पड़ेगा ना भाई, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। बताओ खाना बनाना मतलब इम्यूनिटी प्रोडक्शन, समय लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा भाई। प्रैंक किया, भले आपने प्रैंक किया, भले आपने नकली मेहमान भेजा, लेकिन उसने खाना असली बनाया, मतलब आपने नकली इम्यूनाइजेशन किया है, लेकिन जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है वो असली हुआ है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है वो बिल्कुल रियल हुआ है, एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन हुआ है वो बिल्कुल रियल हुआ है, ठीक है। यहां भी एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन हुआ है वो रियल हुआ है, लेकिन यहां पर सच में मेहमान आया है, यहां पर सच में क्या है, मेहमान आया है। ये तो बात हुई जब बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। अब क्या है, उस पत्नी को अब कुछ साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए हैं शादी को, अब उसको आने लग गया जोर, आड़स आ गया कि अब नहीं करूं कुछ। एक दिन फिर से पति ने बोला कि भैया मेहमान आ गए हैं, मेहमान बोले तो कि भैया स्नेक ने काट लिया है। अब पति क्या बोल रही, पत्नी बोल रही मैं नहीं बना रही खाना, बना बनाया खाना बाहर से ले आओ। तो वो स्नैक ने काटा, मतलब वो मेहमान, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ गया, और आपने क्या किया, रेडीमेड जो खाना है वो बाहर से लेकर आए, रेडीमेड एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी। एग्जाम्पल एटीएस एआरवी सीरम एंटी, क्लियर है क्या। अब क्या होगा नेचुरल में, भैया इसके अंदर तो चलो हम लोग फिर भी खरीद के ला रहे हैं, पैसे देकर ला रहे हैं, लेकिन नेचुरल में क्या होगा, हमारी माँ से हमको एंटीबॉडी मिली है, नेचुरली सबको मिली है,
बोलते हैं ना माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जाओ, हाँ उसमें क्यों, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी है, उसके अंदर क्या है एंटीबॉडी है, तो उसके अंदर क्या होता है मदर से फीटस को जो एंटीबॉडी मिली है, मदर से जो फीटस को एंटीबॉडी जो मिली है वो क्या है, वो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा IgG और IgA, जो IgG कहां से मिलती है बाय प्लेसेंटा और IgA कहां से मिलती है कोलोस्ट्रम। किस किस के बात समझ में आ गई, इम्यूनिटी समझ में आ गई। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप ये समझ गए तो इम्यूनिटी में कहीं गलती नहीं करोगे, बोलो गारंटी के साथ। वापिस देख लो, इम्यूनिटी की बात की मैंने, इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक इननेट एक एक्वायर्ड। इननेट जो जन्म से मिल रही है, एक्वायर्ड जो जन्म के बाद मिल रही है। एक्वायर्ड भी दो तरीके की होती है, एक्टिव जिसमें बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब जिसमें खाना घर में बन रहा है, और एक जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है। पहली बात की एक्टिव जिसमें क्या है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है इम्यूनाइजेशन, आपने झूठी खबर फैलाई कि मेहमान आ रहे हैं और बॉडी ने क्या किया एंटीबॉडी बना ली, लेकिन इस बार सही में मेहमान आ गया, डिजीज इंफेक्शन सही में हो गया और क्या हुआ इम्यूनिटी प्रोडक्शन और राइट और क्या हो जाएगा एंटीबॉडी। पैसिव के अंदर बताया कि भैया अब वो कोई मेहमान वेहमान किसी से नहीं डर रही, अब जो भी है खाना कहां से आएगा बाहर से आएगा, आर्टिफिशियल रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो इंजेक्ट की जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि मेहमान अब बिल्कुल माथे पर आकर खड़ा हो चुका है कि खाना दो मुझे, तो इस बार भैया ATS ARV बना बनाए रेडीमेड खाना जो है बाहर से लाना पड़ेगा, और इसमें तो हमको मदर से मिला है, ये गिफ्ट हमको मदर से मिला है, मदर से फीटस में IgG जो प्लेसेंटा से आई है और IgA कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क, बस के बाहर इम्यूनिटी में कोई सवाल नहीं आएगा गारंटी के साथ, के बाहर इम्यूनिटी का कोई सवाल है ही नहीं। चलिए आइए कुछ, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब इम्यूनिटी के कुछ एग्जांपल आप मुझे बताएंगे। चलिए चार ऑप्शन आप लोगों के लिए लिख देता हूं पहले मैं। पहला ऑप्शन पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिव या ठीक है वैसे लिख दो आर्टिफिशियल एक्टिव फायर्ड। अब आपके ऊपर क्वेश्चंस की बरसात होगी, देखते हैं कितने सवाल सही कर पाते हो। अगर ये 5-6 सवाल आपने सही कर दिए तो इसका मतलब है टॉपिक पढ़ाने का मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए तीसरी बात आर्टिफिशियल पैसिव फायर्ड एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए तैयार रेडी आंसर देने के लिए, अब देखते हैं कितना समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए कितना समझ में आया है अब देख लेते हैं, चार पांच क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल और पोल आ रहा है आप लोगों के सामने, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से बता दीजिएगा, मदर टू फीटस प्रोवाइड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। मदर से जो बच्चे को मिलती है वो किस तरीके की इम्यूनिटी मिलती है। चलिए आपके ऑप्शन आ गए हैं, ऑप्शन आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, पोल आ गया आप लोगों के सामने, जल्दी से बता दीजिए मदर से जो फीटस को जो इम्यूनिटी मिलती है किस तरीके की इम्यूनिटी मिलती है, बता दीजिएगा पहला सवाल। और अगर ये समझ में आ गया तो भैया इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया, टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए आपको बता चुके हैं मदर से जो फीटस में आपको इम्यूनिटी मिली है वो कैसी मिली है, मदर से फीटस में आपको बताया था भैया, मदर से फीटस में आईजी
पैसिव, अब नाम थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला सवाल देख लेते हैं, कितने सवाल कितने परसेंट बच्चों ने सही, 100% बच्चों ने सही बताया, शानदार, मजा आ गया भाई। चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपने जो है वो ओपीवी वैक्सीन आपने इंट्रोड्यूस की है, बताइए किस तरीके की इम्यूनिटी आपको मिली है। ओपीवी आपने ली है, ओरल पोलियो वैक्सीन आपने पी है, बताइए किस तरीके की इम्यूनिटी आपको मिली है। दूसरा सवाल, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन आपको मिली है, बताइए किस तरीके की वैक्सीन इम्यूनाइजेशन जो है आप लोगों को मिला, किस तरीके का है इम्यूनिटी आप लोगों को मिली है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, भैया बताया था जब हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जब हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस तरीके की इम्यूनिटी मिलती है, जब हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो भैया वहां पर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है, 85% बच्चों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, थर्ड सवाल तीसरा सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, बताइएगा which type of immunity produce by any infection, किसी इन्फेक्शन के बाद में किस तरीके की इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तीसरा सवाल और जल्दी से आंसर कर दीजिए, किसी इन्फेक्शन के बाद में किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, which type of immunity produce by any infection, बताइएगा किस टाइप की इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी इन्फेक्शन के बाद में, जल्दी से बता दीजिए भैया, इन्फेक्शन के बाद में किस तरीके की इम्यूनिटी होगी। अब आपको बता रखा है भैया, इन्फेक्शन के बाद में किस तरीके की इम्यूनिटी होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी भैया, नेचुरल एक्टिव। राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही बताया है, बिल्कुल 100% बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल, आपको एक कुत्ते ने काटा है, आपको कुत्ते ने काटा है और उसके बाद में आपने एआरवी इंट्रोड्यूस करवाई है, इसका मतलब है आपने किस तरीके की इम्यूनिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, बताइएगा जरा, आपने एआरवी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट करवाई है, बताइए किस तरीके की इम्यूनिटी मिली है आपको, बताओ भैया, आपने एआरवी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, जल्दी से बता दीजिए, एंटी रेबीज वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई है, जल्दी से बता दीजिए किस तरीके की इम्यूनिटी मिली है। वेरी गुड भैया, अगर एआरवी इंट्रोड्यूस करवाई है तो क्या हो जाएगा भैया, आपको पता होना चाहिए, अगर एआरवी कराई है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी जो राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है 96%। लास्ट सवाल, एक और सवाल और अंतिम सवाल इम्यूनिटी के ऊपर से, इसके बाद इम्यूनिटी मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होनी जानी चाहिए। आईजीजी एंड आईजीए प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे भैया, जल्दी से बता दीजिए। अंतिम सवाल, आईजीजी और आईजीए किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मजा आया या नहीं आया, ये टॉपिक पहला टॉपिक इम्यूनिटी एकदम क्लियर है या नहीं है। अब जो बच्ची मुझे बोल रही थी कि सर डायरेक्ट एमसीक्यू कराओ, हाँ गुड़िया अब बताओ, वहां तो गलती होने के चांसेज भी थे, अब बताओ गलती होने के चांसेज है क्या, समझ में आया या नहीं आया, इम्यूनिटी बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए भैया। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आईजीजी और आईजीए किस तरीके से पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 100%, एकदम क्लियर है क्या भैया, एकदम क्लियर है सभी के, बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे बढ़े, अच्छा पांच में से पांच सवाल किसके सही हुए, जल्दी 5 out of 5 किसके सही है देख लेते हैं, देखिएगा बहुत सारे बच्चों के 5 out of 5 दिख रहे हैं भैया, बहुत सारे बच्चों के 5 में से 5, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहां हमारा इम्यूनिटी खत्म होता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को एंटीबॉडी के बारे में, एंटीबॉडी क्या होती है,
नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा एंटीबॉडी, अगला टॉपिक डाल लीजिएगा एंटीबॉडी। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों के सारे टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है और आज पढ़ ली, सारे सवाल सही हो जाएंगे गारंटी के साथ में, कोई गलत कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एंटीबॉडी डाल लेना, एंटीबॉडी डालो भैया, हेडिंग एंटीबॉडी। देखिएगा सबसे पहली बात तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोटीन ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है ये किसकी बनी होती है? ये ग्लोबुलिन की प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? इनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इनको? आईजी बोलते हैं, आईजी। तो क्या बोलते हैं? आईजी। नेक्स्ट इनकी शेप कैसी होती है? शेप होती है इनकी वाई शेप। शेप कैसी होती है? वाई शेप होती है, वाई शेप। वाई शेप होती है। टोटल चेन कितनी होती है इनके अंदर? टोटल चेन कितनी होती है? टोटल चेन का मतलब क्या है अभी बता देता हूं। टोटल 4 चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, 2 हैवी चेन, और 2 लाइट चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, देखिएगा ध्यान से। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, यहां इन्हें क्या कहते हैं? ये दोनों आपकी हैवी चेन है, ये दोनों क्या है? आपकी हैवी चेन है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं हैवी चेन, और इन्हें कहते हैं लाइट चेन। ये जो साइट आप लोगों को दिख रही है इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी साइट, यहां पर एंटीजन आकर चिपक जाता है, तो इस साइट को क्या नाम दे देते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी साइट, एंटीबॉडी साइट। दोनों जो चेन आपस में जुड़ी होती है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा दोनों चेन आपस में जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड। ये जो नीचे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो रीजन होता है ये एकदम बिल्कुल हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, जबकि ऊपर वाला जो रीजन है वो बदलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्लियर है? आपको स्ट्रक्चर में ये 3-4 चीजें याद रखनी है कि भैया कौन सी चेन होती है, कौन सा साइट होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, बस ये याद रखिएगा। सवाल आ सकता है यहाँ से, सवाल आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? पहला सवाल कि भैया शेप कैसी होती है? एंटीबॉडी की वाई शेप होती है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। टोटल चेन कितनी होती है? 4 चेन होती है, 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं एंटीबॉडी के टाइप्स के ऊपर, इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टोटल टाइप्स कितने होते हैं? देखिए टोटल इसके 5 टाइप होते हैं भैया। टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स टोटल कितने? 5 टाइप होते हैं। गामडे ट्रिक याद रखना, गामडे ट्रिक क्या है? गामडे GAMDE मतलब क्या है? IgG का पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, का नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इसे कहते हैं गामा। दूसरा है IgA, इसे कहते हैं अल्फा। तीसरा है IgM, इसे कहते हैं
म्यू। नेक्स्ट है आईजीडी, इसे कहते हैं डेल्टा, और नेक्स्ट है आईजीई, इसे कहते हैं एप्सिलॉन या एपिसिलॉन। पांच तरीके की होती है, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन या एपिसिलॉन। क्लियर है, ये पांच टाइप की होती है। आइए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। एक लिस्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, इसी में आपके पांचों को मैं बता दूंगा। सबसे पहले IgM, सेकंड नंबर पे लिख दीजिएगा IgG, नेक्स्ट थर्ड पे लिख दीजिएगा IgA, नेक्स्ट अगले पे लिख दीजिएगा IgE, लास्ट लिख दीजिएगा IgD। एक साथ बनाएंगे चार्ट और फिर क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे और फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक चार्ट बना लेते हैं, देखिएगा भाई लोगों। सबसे पहले तो बात करते हैं IgM के बारे में। इसे क्योंकि सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, सबसे मोस्ट, अच्छा पहली बात तो इसे मिलियनरी मॉलिक्यूल कहते हैं, मिलियनरी मॉलिक्यूल कहते हैं। इसका जो वेट है वो सबसे ज्यादा भारी होता है, इसलिए इसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी कहते हैं, सबसे भारी होती है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी कहते हैं इसे। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, मतलब पांच वाई वाई ऐसे जुड़े होंगे, पेंटावेलेंट या पेंटामर स्ट्रक्चर होती है इसकी। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, पेंटावेलेंट बोल दूं या पेंटामर बोल दूं, बात एक ही। नेक्स्ट, ये किस तरीके की इंफेक्शन को दिखाती है, तो याद रखिएगा ये एक्यूट इंफेक्शन को इंडिकेट करती है। किस इंफेक्शन को, इट इंडिकेट एक्यूट इंफेक्शन, ये एक्यूट इंफेक्शन को दर्शाती है। यहां पर पांच बातें बताइए मैंने आप लोगों को, पहला इसे मिलिनरी मॉलिक्यूल कहते हैं, दूसरी ये हैवीएस्ट सबसे भारी होती है, तीसरी इसकी स्ट्रक्चर पेंटामर होती है, चौथी ये एक्यूट इंफेक्शन को दिखाती है। याद रखिएगा ये चारों पॉइंट्स के ऊपर सवाल बनते हैं और जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात करते हैं आईजीजी के बारे में। आईजीजी जो है मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीजी। तो पहला मोस्ट अबंडेंट तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, यही पाई जाती है इन पांचों में सबसे ज्यादा कौन सी है, ये कितनी परसेंट होती है, लगभग 75% होती है। टोटल का कितने परसेंट है, 75%। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आती है, तो क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट, ये किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आपको मैंने बताया था अभी याद होगा आप लोगों को, नेचुरल किस तरीके की एंटीबॉडी देती है, ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, अभी बताया था आप लोगों को, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड और ये किस तरीके का इंफेक्शन दिखाती है, ये याद रखिएगा ये एक्यूट दिखाता है तो ये क्रोनिक इंफेक्शन दिखाती है, इंडिकेट क्रोनिक इंफेक्शन। ये क्रोनिक इंफेक्शन को इंडिकेट करती है। सबको सही दिख रहा है क्या, एक बार बता दीजिए सर, थोड़ा बड़ा लिखिए, सही दिख रहा है क्या, एक बार बताइएगा, सही दिख रहा है सबको, बोलिएगा
सही दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए आईजीए की बात करते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बाइवेलेंट है ना, बाइवेलेंट होती है, लेकिन इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता। बाइवेलेंट मतलब दो से जुड़ी होती है, लेकिन सवाल नहीं पूछा जाता है। बस सवाल यही आएगा पेंटावेलेंट के ऊपर, उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आईजीए, तीसरा सवाल, तीसरी बात करेंगे। पहली बात तो ये कहां से मिल रहा है हमको? मदर मिल्क से, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, याद रखिएगा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये भी किस तरीके की इम्यूनिटी दे रहा है याद रखिएगा, ये भी किस तरीके की देता है? ये भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अभी एक बात बताओ मुझे, आपके टीयर्स आंसुओं में, आपके टीयर्स आंसुओं में किस तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है, बताओ जल्दी। नेचुरल पैसिव, अगला बताइए, तो टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं, वे किस तरीके की आती है, कौन बताएगा जल्दी बताओ? नहीं, मैं बात कर रहा हूं वहां भी, बिल्कुल है ना, सलाइवा टीयर्स में भी कुछ कुछ जो है वो यही पाया जाता है। आपके कुछ अमाउंट में आईजीए प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। आपके जो टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं उनमें, और आपकी जो सलाइवा है उसमें कुछ अमाउंट में आईजीए प्रेजेंट होता है। कहां? टीयर्स, सलाइवा में कुछ अमाउंट में आईजीए। नेक्स्ट आईजीई, जो बॉडी की जो एलर्जिक रिएक्शंस है, एलर्जिक रिएक्शन मतलब जैसे मान लीजिए आपको एलर्जी है, आपने, आपको मान लीजिए डस्ट से एलर्जी है और आपके शरीर में वो डस्ट एंटर कर गया, तो अब जो बॉडी में जो रिएक्शन दिखाई देगी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आईजीई रेस्पॉन्सिबल। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगला लिख दीजिएगा, आईजीई में लिखिएगा रेस्पॉन्सिबल फॉर, और हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक, एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपके आईजी। सवाल जरूर आएगा भैया, देखो सवाल, जो जो पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा रहा हूं, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं। सवाल हर एक से सवाल बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। लास्ट की बात करते हैं, लास्ट आता है आईजीडी। आईजीडी का अभी ज्यादा जो है इसके ऊपर मतलब इसके फंक्शंस के ऊपर बात नहीं हुई। ज्यादातर जो इसका काम है वो क्या करता है, मोस्टली ये डिफरेंशिएट करता है किसको, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसका केवल एक रोल है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट एंड और टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। एक बार वापस देख लो, एक बार पूरा चार्ट देख लीजिए, मैंने बना दिया, अब वापस देख लो। सबसे पहले आईजीएम की बात की, आईजीएम की बात की मैंने, मिलियनरी मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि सबसे भारी होता है। अगर क्लास अटक गई है करेंगे, क्लास चल रही है सही?
वेट करेंगे बेटा, 2 मिनट वेट कर लीजिए, शायद कुछ दिक्कत आ रही है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो 2 मिनट रुक जाइए बस, है ना, वेट कर लीजिए, कुछ टेक्निकल एरर है। बेटा अभी कर रहे हैं रिपीट, हाँ एम आई ऑडिबल बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, यस। चलिए ठीक है ठीक है ठीक, आ गए, नेटवर्क एरर आ गया था थोड़ा सा, है ना, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ गया था बेटा, सॉरी उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में। एंटीबॉडी के टाइप्स क्या होते हैं देखिएगा, हमने 5 एंटीबॉडी के टाइप्स बता दिए। सबसे पहले IgM, नेक्स्ट IgG, IgA, IgE और IgD। देखिएगा क्या क्या है, सबसे पहले बताया मैंने IgM के बारे में। IgM क्या है, इसको बोलते हैं मिलिनरी मॉलिक्यूल, तो क्या बोलते हैं मिलिनरी मॉलिक्यूल भी कहते हैं इसे। ये क्या होता है, ये मिलिनरी मॉलिक्यूल जो है सबसे हैवीएस्ट होता है, सबसे भारी है ये, सबसे हैवीएस्ट है ये। उसके अलावा ये सवाल जो है नोट सेट में पूछा गया था कि एक्यूट इन्फेक्शन को कौन दिखाता है, याद रखिएगा एक्यूट इन्फेक्शन को याद रखिएगा IgM दिखा। फिर बात की हम लोगों ने IgG के बारे में, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा ये क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है, और किस तरीके का इन्फेक्शन प्रोवाइड दिखाती है, क्रोनिक इन्फेक्शन को ये दिखाती है। नेक्स्ट है IgA, IgA क्या होता है, कोलोस्ट्रम, ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, नेचुरल पैसिव और टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा IgE जो कि किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और लास्ट में IgD जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे बी और टी लिम्फोसाइट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल। इस चार्ट को एक बार 2 मिनट के लिए आप लोग फटाफट से देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई दिक्कत है इसको फटाफट से देख लीजिए, अब इसके बहुत सारे MCQ हम लोग करने वाले हैं। चलिए फटाफट से देख लीजिए इसको एक बार, डन देख लिया सबने। चलिए अब इसके MCQ करते हैं हम लोग, अब इसके MCQs हम लोग करते हैं। पहले मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं आप लोगों के, चलिएगा पहले 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए IgM, ऑप्शन नंबर बी IgE, ऑप्शन नंबर सी IgE, ऑप्शन नंबर डी IgA। चलिएगा भैया तैयार हैं आप लोग,
लगातार 5-6 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कितना समझ में आया एंटीबॉडी, देख लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल। हाँ भाई साहब, विच इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन, इनमें से कौन एक्यूट इन्फेक्शन को कौन सी एंटीबॉडी इंडिकेट करती है, बता दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक्यूट इन्फेक्शन को कौन सी एंटीबॉडी दिखाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एंटीबॉडी रिप्रेजेंट्स एक्यूट इन्फेक्शन, पहला सवाल जल्दी से बता दीजिए। पोल आ गया, 100% पोल आ जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्यूट इन्फेक्शन को कौन सी एंटीबॉडी दिखाती है, तो मैंने अभी बताया है आप लोगों को एक्यूट इन्फेक्शन को कौन सी एंटीबॉडी दिखाती है, हमने बात कर चुके हैं हम लोग, एक्यूट इन्फेक्शन IgM दिखाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है, 100% पोल आ जाना चाहिए। आ गया भैया, चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी नंबर सेकेंड, और पोल आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बता दीजिए मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जल्दी से बताइएगा। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी बिल्कुल सही होना चाहिए भैया, गलती नहीं करनी चाहिए, बता चुका हूं अच्छे से एकदम। राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट IgG बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर क्या है, बी इज योर राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है, 96%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट हैवीएस्ट एंटीबॉडी सबसे भारी एंटीबॉडी कौन सी है, मोस्ट हैवीएस्ट एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हियर इज योर पोल, पोल आ गया जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट हैवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, जल्दी से। अगला सवाल, मोस्ट हैवीएस्ट एंटीबॉडी आंसर आ जाना चाहिए भैया सबका, सबसे भारी एंटीबॉडी कौन सा है जल्दी बता दो। अरे बताया था भैया, मिलिनरी मॉलिक्यूल याद होना चाहिए, IgM बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, पोल टॉप करते हैं, ए इज योर राइट आंसर, 100% बच्चों ने। चलिए अगला सवाल, एलर्जिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, और पोल आ गया आपका ये रहा, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी एंटीबॉडी है, बता दीजिए। सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी है जल्दी बताइएगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन सी है आपकी, IgE बिल्कुल। लास्ट सवाल करेंगे, या हो गए हैं लास्ट सवाल करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, सी बिल्कुल सही, 100% होना चाहिए था। चलिएगा लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर लास्ट, और मदर से विच एंटीबॉडी जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट इन ब्रेस्ट कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी है, जल्दी से बता दीजिए। पांचवा सवाल, कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgM, IgG, IgE, IgA कौन सी होगी, जल्दी से बता दीजिए कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है। कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी होगी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी होगी, राइट आंसर क्या होगा, IgA इज योर राइट आंसर। यहां हमारा एंटीबॉडी खत्म होता है, जल्दी से बताइए एंटीबॉडी किस किस का बिल्कुल क्लियर है एंटीबॉडी, कोई भी सवाल आ जाए कर दोगे, किस किस का एंटीबॉडी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, दो टॉपिक हो गए, एक पहला इम्यूनिटी, दूसरा एंटीबॉडी, सीधे खत्म हो गया होगा, किस किस का एंटीबॉडी बिल्कुल समझ में आ गया है एकदम। चलिएगा भैया आगे बढ़ते नेक्स्ट, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डालिएगा इन्फेक्शन, क्लियर है एकदम क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, हेडिंग डालिएगा इन्फेक्शन। तीसरा टॉपिक नहीं हुआ तो बेटा आपने देखा नहीं होगा तो ना,
चलिएगा, देखिएगा इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इन्फेक्शन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन और इन्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले डेफिनेशन देखो, इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखिएगा, तीसरा टॉपिक मल्टीप्लीकेशन और इन्वेशन ऑफ माइक्रो एनी माइक्रो होस्ट बॉडी एज इन्फेक्शन। भाई इन्फेक्शन कहते किसे हैं, इन्फेक्शन कहते किसे, देखिएगा देखिएगा इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और क्या हो, वो मल्टीप्लीकेशन करने लग जाए। जैसे मान लीजिएगा मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ये लीजिए एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ये बैक्टीरिया और ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया, और आने के बाद में क्या होगा, आने के बाद में ये मल्टीप्लीकेशन कर ले, मतलब खुद का परिवार बसाने लग जाए यहाँ पे। पहले खुद आया, फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से ये क्या करने लग जाए, ये मल्टीप्लीकेशन करने लग जाए, बढ़ने लग जाए, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे होने लग जाए। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इन्फेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोला जाता है। तो पहली डेफिनेशन आपको यह समझ में आना चाहिए कि इन्फेक्शन किसे कहते हैं, कि इन्वेशन, इन्वेशन मतलब अंदर घुसना, एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और इन्वेशन ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू होस्ट बॉडी नोन एज, क्लियर है बात। चलिएगा भैया आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा इन्फेक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, इन्फेक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, कुछ कुछ टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप है इन्फेक्शन के टाइप्स, मैं फिर एक चार्ट बनाने वाला हूं बड़ा सा, फिर एक बड़ा सा चार्ट बनाने वाला हूँ, फिर उसके बारे में बताने वाला हूँ, और फिर बहुत सारे एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, जहाँ समझ में नहीं आए वहीं बोल दीजिएगा। चलिएगा इन्फेक्शन, देखिएगा इन्फेक्शन सबसे पहला है प्राइमरी इन्फेक्शन, पहले है प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन। देखिएगा प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि इनिशियल इन्फेक्शन, कि मतलब सबसे पहला इन्फेक्शन हो गया। जैसे अभी अपन बिल्कुल ठीक है, अभी अपन बिल्कुल ठीक है, और अचानक से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और आकर क्या करे, आकर इन्फेक्शन कर दे, तो प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब ही क्या है, इनिशियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनिशियल इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू होस्ट बॉडी, इनटू होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी में क्या है कि होस्ट बॉडी में इनिशियल इन्फेक्शन हो जाए। जैसे अभी मान लीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूं और कल अचानक से मेरी बॉडी में क्या आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो भैया इनिशियल इन्फेक्शन मतलब सबसे पहला इन्फेक्शन किसकी वजह से, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू होस्ट बॉडी, क्या कहलाता है, प्राइमरी, पहली बात खत्म होनी चाहिए। चलिए अब सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करते हैं, देखिए सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा, भैया प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है,
अब देखिएगा, ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारा एक कोई मकान है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, एग्जाम्पल समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा कोई मकान है, ये इसके दरवाजे हैं, इसके गेट हैं, गेट बंद थे, प्राइमरी इंफेक्शन की वजह से ही गेट खुल गए, मतलब चोर आया, पहला चोर आया उसकी वजह से गेट खुल गया, पहला चोर आया, उसने चोर ने चोरी की, वो तो चला गया, या वो अभी भी बॉडी वो या अभी भी यहां पर है। दूसरे चोर ने देखा, चोर नंबर दो ने देखा, भैया इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं, क्यों ना मैं भी घुस जाऊं। तो प्राइमरी इंफेक्शन की वजह से जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, व्हेन इम्यूनिटी सप्रेस ड्यू टू प्राइमरी इंफेक्शन, जब प्राइमरी इंफेक्शन की वजह से क्या हो जाए, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए और फिर कोई इंफेक्शन आकर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, इन्वेशन कर जाए, दैट इज नोन एज सेकेंडरी इंफेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कि प्राइमरी की वजह से इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, प्राइमरी की वजह से इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, और अब क्या हो रहा है, कोई दूसरा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, दैट इज नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन, दैट इज नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। किस किस के समझ में आ गया, देखिएगा क्या लिखा हमने, इम्यूनिटी सप्रेस व्हेन इन्फेक्शन अकर, इन्फेक्शन अकर due to infection occur due to immunity suppressed by primary infection। भैया प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी क्या हो गई थी, इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, इम्यूनिटी सप्रेस हो गई थी, और उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इंफेक्शन नोन एज सेकेंडरी। प्राइमरी इंफेक्शन की वजह से क्या हुआ, इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, इम्यूनिटी कम पड़ गई, इम्यूनिटी कमजोर हो गई, क्या कहलाता है, सेकेंडरी। अब देखो इसी का एक नाम और होता है, इसी का एक नाम और होता है, भैया प्राइमरी की वजह से तो सेकेंडरी को अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी बात सुनिएगा, भाई पहला चोर ने गेट खोला और वो अंदर चला गया, इसकी वजह से सेकेंडरी को क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई। अरे मिली या नहीं मिली भाई, प्राइमरी की वजह से ही तो सेकेंडरी को क्या मिली, दूसरे चोर को क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली कि भैया आप भी घुस जाइए। ये सेकेंडरी इंफेक्शन इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन, इसीलिए इसका एक और नाम होता है आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। को क्या बोलते हैं, को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन कहा जाता है, आल्सो एज ये क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी प्राइमरी की वजह से इसका क्या हुआ है, प्राइमरी की वजह से इसका जो है इसको अपॉर्चुनिटी मिली है बॉडी के अंदर आने की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट में एड्स है, आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, एग्जांपल पढ़ा है क्या, न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया एड्स के अंदर होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है किसका, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन का। तो याद रखिएगा न्यूमोसाइटिक, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया इन एड्स, एड्स के अंदर जो है ये इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इन एड्स यानी एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का एग्जांपल। क्लियर है बात, तो इन्फेक्शन बताए मैंने, एक प्राइमरी इन्फेक्शन, एक सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन जब इनिशियल इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, प्राइमरी,
सेकेंडरी किसे बोला कि इन्फेक्शन जब हो, जब इम्यूनिटी सप्रेस हो गई हो और उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। और इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल गई है सेकेंडरी वाले को। एग्जाम्पल न्यूमोसाइटिक कारिनी न्यूमोनिया। क्लियर है बात? चलिए भैया तीसरा इन्फेक्शन की बात करते हैं। तीसरा इन्फेक्शन आता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आप लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, एक नाम और होता है, कौन बताएगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एक नाम और है, क्या बताओगे? बताओ जल्दी से। इसे क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी बताओ। आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड। भैया आए ते हरि के भजन को और ओटन लगे कपास, मतलब आए किसी और परेशानी की वजह से थे और लेकर क्या जा रहे हैं, खुद के साथ में एक और परेशानी लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए आप आए थे हॉस्पिटल में, आपको कोई आप मान लीजिए थोड़ा सा जल गए थे, या आपका कोई फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूट गया था, कुछ भी हो गया था, हाँ आप आए थे किसी और कारण की वजह से और अब आप जा रहे हैं, तो आप अपने साथ में एक इन्फेक्शन लेकर जा रहे हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो आपको हॉस्पिटल की वजह से मिला है। तो आपको किस वजह से मिला है? हॉस्पिटल की वजह से मिला है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। का मोस्ट कॉमन, याद रखिएगा सवाल आता है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है, कौन बताएगा? मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है आपका? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन, इज मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन क्या है, इन्फेक्शन है, कहां पर? हॉस्पिटल। एक और होता है आपका आईसीयू में, आईसीयू में कौन सा होगा जल्दी बताओ? मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या आईसीयू इन्फेक्शन कौन सा होगा जल्दी बताओ? बीएपी, याद है क्या? बीएपी क्या होता है? बीएपी वेंटिलेटेड, बिल्कुल। आईसीयू में क्या होगा? इन आईसीयू बीएपी वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, क्या हो जाएगा? वेंटिलेटेड है, बिल्कुल, आफ्टर 48 आवर्स है ना, बीएपी वेंटिलेटेड एसोसिएटेड, बिल्कुल बीएपी इज द मोस्ट कॉमन वन। आईसीयू में के अंदर कौन सा होता है? आईसीयू में कौन सा होगा? मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? वैक्सीन वेंटिलेटेड एसोसिएटेड। क्या है बात? यहां से सवाल आते हैं भैया, बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको मिलेंगे जरूर सवाल। चलिए अगला इन्फेक्शन होता है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? फोकल इन्फेक्शन का मतलब है जब इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर साइट पर हो। फोकल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर साइट पर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन एट ए पर्टिकुलर साइट। जैसे आपके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिक्स में हो जाए अपेंडिसाइटिस, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर हो। इन्फेक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पर हो, एक लोकलाइज्ड साइट पर हो, पर्टिकुलर प्लेस या वर्ड आ जाए आपसे लोकलाइज्ड साइट, लोकलाइज्ड प्लेस पर हो, लोकलाइज साइट पर हो, फोकल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल आपका अपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस,
टॉन्सिलाइटिस एग्जाम्पल है फोकल इन्फेक्शन, एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, अपेंडिक्स में हो रहा है अपेंडिसाइटिस, आपके टॉन्सिल्स में हो रहा है टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट अगला इन्फेक्शन, अगला इन्फेक्शन है एट्रोजेनिक, अगला इन्फेक्शन है जिसका नाम है एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। क्या होता है कौन बताएगा? एट्रोजेनिक, एट्रोजेनिक एट्रोजेनिक इन्फेक्शन का एक और नाम है, बोलते हैं फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन, आल्सो नोन एज फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन, की फिजिशियन की वजह से हुआ है कि ड्यू टू ट्रीटमेंट, ड्यू टू जब आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग जब इलाज करवा रहे थे, जो आपको पेशेंट जो डॉक्टर देख रहा था उसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू तो बोलते हैं फिजिशियन एक्वायर्ड की वजह से हो रहा है। और एक और होता है लास्ट में सब क्लिनिकल इंफेक्शन, सब क्लिनिकल क्या होता है इसमें, सब क्लिनिकल इंफेक्शन के अंदर क्या होगा भैया, तो इसमें जो है वो कैरेक्टर्स दिखते ही नहीं है, क्या होता है सिम्टम्स आर हाइड, सिम्टम्स जो है साइन एंड सिम्टम्स आर नॉट अपीयर्ड, सिम्टम्स जो है अपीयर होते। क्लियर है बात? ये मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी किसकी, इन्फेक्शन की। देखो एक बार फिर से देख लो क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले इन्फेक्शन की डेफिनेशन बताई भैया, इन्फेक्शन क्या होता है कि भैया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर एंटर करना और क्या करना, और जो है वो क्या होना कि भैया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर एंटर करना और क्या हो जाना, उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना। एक क्रॉस इन्फेक्शन भी होता है, मतलब एक से दूसरे में चला जाता है ना, एक और होता है क्रॉस इन्फेक्शन जिसमें एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो है वो क्या होता है वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेज रहते हैं। सेकेंड बताया, फिर बताया प्राइमरी इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है इनिशियल इन्फेक्शन, फिर बताया सेकेंडरी जिसमें क्या होता है प्राइमरी की वजह से क्या हो गई है इम्यूनिटी कम सप्रेस हो गई है और इन्फेक्शन कौन सा हो गया है इसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक भी। फिर आता है नोजोकोमियल, नोजोकोमियल को हॉस्पिटल एक्वायर्ड बोलते हैं, जहां पर दो एग्जांपल है मोस्ट कॉमन कौन सा है और आईसीयू में कौन सा है। नेक्स्ट आपको बताया हाइट्रोजेनिक, हाइट्रोजेनिक को बोलते हैं फिजिशियन एक्वायर्ड, अगला है सब क्लिनिकल जिसके अंदर क्या होता है साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं। चलिए आ जाइए एमसीक्यूज के लिए तैयार, अब एमसीक्यू करते हैं, आ जाओ इसके फटाफट से। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं पहले, हमारे चार ऑप्शन बना लेता हूं मैं, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड नंबर बी नोजोकोमिया, सारे सही होने चाहिए भैया, सारे सही होने चाहिए। हाँ तो नंबर सी फोकल इन्फेक्शन, तो नंबर डी प्राइमरी। ठीक है चलिए, पहला सवाल नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, पहला सवाल। और हियर इज योर पोल, पोल आ गया आप लोगों का, जल्दी से बता दीजिए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं इसे, इसे बता दीजिए। पहला सवाल, द फॉलोइंग इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसे किसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं, फॉलोइंग इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक। नंबर फर्स्ट पहला सवाल अभी बताया था, आंसर होना आना चाहिए बिल्कुल, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का एग्जांपल आप लोगों को बताया था भैया, सेकेंडरी इन्फेक्शन किसका एग्जांपल है अपॉर्चुनिस्टिक।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोगों का ए इज योर राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए 100% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंफेक्शन, इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड यूटीआई जो है वो किस तरीके के इंफेक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यूटीआई इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया कि यूटीआई किस तरीके के एग्जाम्पल, किस तरीके के इंफेक्शन का एग्जाम्पल है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड यूटीआई किस तरीके के इंफेक्शन का एग्जाम्पल है, और बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी इज योर राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर होना। चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड तीसरा सवाल आता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड तीसरा सवाल टॉन्सिलाइटिस किस तरीके की इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड टॉन्सिलाइटिस किस तरीके के इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। टॉन्सिलाइटिस किस तरीके का है, चलिएगा टॉन्सिलाइटिस किस तरीके का है, आपको सबको पता है फोकल इन्फेक्शन बोलते हैं, पर्टिकुलर एक प्लेस पर हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी बी, चलिएगा। चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर फोर विच इन्फेक्शन डज इम्यूनिटी सप्रेस। इन्फेक्शन डज या डू इम्यूनिटी सप्रेस, कौन सा इंफेक्शन इम्यूनिटी सप्रेस करता है। चलिए इम्यूनिटी सप्रेस जो बच्चे ए बता रहे हैं अभी तो सवाल को घुमाना जरूरी था, अभी तो सवाल को घुमाना जरूरी था। अब ए और डी दोनों लिख रहे हैं एक बच्चे, तो बेटा सवाल को तभी तो घुमाना जरूरी था, अब अगर सीधा सा सवाल देता तो क्या ही मजा था भाई। ए कैसे होगा वो देखो, उसने बोला है डू इम्यूनिटी सप्रेस की, कौन सा इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू इम्यूनिटी सप्रेस की, इनमें से कौन सा इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा, डी इज योर राइट आंसर। भैया इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से ए होता है, इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से ए होता है, ना कि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। मेरी बात समझ में आई क्या, सवाल को घुमाया गया है, ए सप्रेस करता है जबकि सेकेंडरी जो है वो होने के बाद में आता है। ये क्या आंसर आएगा, राइट आंसर प्राइमरी इंफेक्शन आएगा, कि भैया इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा है। डी इज योर राइट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर है। एक सवाल ने पूरा खोल के रख दिया, समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई कैसे भी गलत नहीं कर सकता। राइट आंसर क्या होगा, डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा लास्ट सवाल, एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेते हैं लास्ट सवाल। न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बता दीजिए फटाफट से। न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ निमोनिया, तरीके के निमोनिया का एग्जाम्पल है न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, बता दीजिए फटाफट से। हाँ जी भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। साइटिक कारिनी निमोनिया अपॉर्चुनिस्टिक का एग्जांपल है, राइट आंसर ए बिल्कुल सही।
चलिए भैया, यहां हमारा ये तीसरा टॉपिक इन्फेक्शन खत्म होता है। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है हुआ या नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ इन्फेक्शन। तीन टॉपिक खत्म हो गए। पहला बताया आप लोगों को इम्यूनिटी, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा बताया एंटीबॉडी, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा बताया इन्फेक्शन, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक की बात एकदम समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है सबके यहां तक की चीज? आगे बढ़े। चलिए, अरे माइक्रोबायोलॉजी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताओ। माइक्रोबायोलॉजी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत सारे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोरिंग सब्जेक्ट है, बताओ बोरिंग है क्या? हाँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा माइक्रोबायोलॉजी में? कहां से बोरिंग है बताओ। चलिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी के। यहां से सवाल आता है। चौथा टॉपिक, फोर्थ, हाँ बिल्कुल। चलिए अब देखो अगला टॉपिक और भी मजेदार है। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी डाल लीजिए, हाइपर सेंसिटिव एलर्जी। चलिएगा चलिए हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी की बात करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि उन्हें किस किस चीज से एलर्जी है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई बोलता है उन्हें डस्ट से एलर्जी है, कोई बोलता है उन्हें जो है हवा मतलब पार्टिकल्स, ग्रेन पार्टिकल्स से एलर्जी है, कोई बोलता है उन्हें चोक से एलर्जी है, कोई बोलता है उन्हें कोई तीखा चीज खाने से एलर्जी है, कोई बोलता है उन्हें मीठा खाने से एलर्जी है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई से एलर्जी हो, पढ़ाई करने से भी एलर्जी हो, अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है। अब एलर्जी है क्या? एक एबनॉर्मल रिएक्शन किस वजह से हो रही है? ड्यू टू द एंटर ऑफ फॉरनर पार्टिकल और एंटीजन इन ओवर बॉडी। कि हमारी बॉडी में जब भी कोई, जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरनर पार्टिकल, या एंटीजन एंटर करता है, ये कोई फॉरनर पार्टिकल है और ये फॉरनर पार्टिकल जो है वो एंटर कर गया, फॉरनर पार्टिकल जो है एंट्री कर गया हमारी बॉडी के अंदर, येलो आ गया साहब, या एंटीजन है कोई फॉरनर पार्टिकल या एंटीजन है और ये एंट्री कर गया, और इसके एंट्री करने के बाद में बॉडी क्या दिखा रही है? एबनॉर्मल रिएक्शन दिखा रही है। किस वजह से? फॉरनर पार्टिकल या एंटीजन के एंटर करने की वजह से क्या हो जाएगा? जब बॉडी एबनॉर्मल रिएक्शन दिखाती है उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिव या एलर्जी। हाइपर सेंसिटिव और एलर्जी। तो डेफिनेशन एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे कि एन एबनॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ एनी फॉरनर पार्टिकल और एंटीजन ऑन एज हाइपर। मैं लिख भी देता हूं, अगर आप चाहो तो लिख लीजिएगा। डेफिनेशन एक लाइन में लिख रहा हूं मैं कि एबनॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फैशन ऑफ फॉरनर पार्टिकल और जन एंटीजन इन बॉडी नॉन एज एलर्जी क्या कहलाती है? नॉन एज एलर्जी कहलाती है।
नोन एज एलर्जी, एलर्जी कहलाता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन दिखाई देती है किस वजह से, एनी एबनॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू इन्वेशन ऑफ फॉरनर पार्टिकल, की कोई फॉरनर जैसे डस्ट आपके शरीर में चली गई और उसकी वजह से जो रिएक्शन आपको दिखाई देगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं तो एलर्जी। अब कॉमन एलर्जेंस क्या क्या होते हैं, देखो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कॉमन एलर्जेंस की बात करूं कौन कौन से होते हैं, कॉमन एलर्जेंस जिनकी वजह से एलर्जी, एलर्जेंस क्या होती है जिसकी वजह से एलर्जी होती है, सबसे पहला आता है डस्ट, डस्ट पार्टिकल की वजह से होती है। आप में से किसको एलर्जी है बताओ जरा, डस्ट हो गया, इसके अलावा चाक पाउडर हो गया, चाक या कोई तीखा हो गया ना, कोई मतलब बहुत जो है मतलब कोई तीखा सामान खाने से हो गया, या फिर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स ग्रेन्स पोलन ग्रेन, एक है एक घास है, एक ग्रास होती है, बात करूं मैं जिसका नाम है पार्थेनियम गाजर घास, पार्थेनियम गाजर घास मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा एलर्जी का कारण है पार्थेनियम गाजर घास। याद रखिएगा सवाल आ चुका है यहाँ से, यहाँ से सवाल जो है वो डी ट्रिप्लेस बी में पूछा गया था, इसका नाम मैं अलग से लिख रहा हूं पार्थेनियम गाजर घास, पार्थेनियम पार्थेनियम कैरेट घास, सवाल आ चुका है ये मोस्ट कॉमन जो है एलर्जन होता है, मतलब इससे सबसे ज्यादा एलर्जी होती है पार्थेनियम गाजर घास, अलग अलग चीजों से, तो डस्ट से होगी, किसी को कोई मेडिसिन से होती होगी, तो कोई कोल्ड से होगा, किसी को पढ़ाई से एलर्जी होगी, किसी को फंडामेंटल से होगी, तो फार्माकोलॉजी से, ओबीजी से, अलग अलग सब्जेक्ट से भी एलर्जी हो सकती है। चलिएगा तो ये कॉमन एलर्जेंस होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव, हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव, मैं फिर से एक चार्ट बनाऊंगा, है ना, फिर से एक चार्ट बनाऊंगा, फिर से चार पांच तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी बताऊंगा और फिर से जो है कराऊंगा और ये टॉपिक को भी खत्म। चलिए आइएगा भैया, फिर से वही चीज, क्या फिर से एक चार्ट बनाएंगे हाइपर सेंसिटिव टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, चलिए देख देते हैं क्लासिफिकेशन। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलर्जी, बात करते हैं दो तरीके की एलर्जी बात करते हैं, सबसे पहले टाइप वन, टाइप वन एलर्जी हाइपर सेंसिटिव, टाइप वन एलर्जी या हाइपर सेंसिटिव कुछ भी नाम आ जाए दिक्कत मत लीजिए। देखो ये सबसे मोस्ट, मैं बोलूं कि सबसे फास्ट होती है, फास्टेस्ट टाइप की एलर्जी होती है, इसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन, इसका एक और नाम है तो बोला जाता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन, टाइप वन रिएक्शन तो एक इसका एक नाम हो रहा है, इसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक, एनाफाइलेटिक, एनाफाइलेटिक रिएक्शन का मतलब होता है तुरंत इमीडिएट एलर्जी होती है, इमीडिएट, इमीडिएट एलर्जी होती है मतलब फटाफट तुरंत, जैसे ही कीड़े ने खाया, जैसे ही कोई कीड़े ने खाया है, जैसे ही कुछ ऐसा हुआ मधुमक्खी ने खाया, तुरंत आपको रिएक्शन दिखाई देगा, तो ये इसको इमीडिएट एलर्जी भी कहते हैं, इमीडिएट एलर्जी होती है, शॉक रिएक्शन होती है, मतलब जैसे झटका लगता है ना करंट का झटका, वैसा ही ये भी होता है, शॉक रिएक्शन होता है ये, मतलब बहुत फास्टेस्ट होती है ये। नेक्स्ट अगर बात करें इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसमें होता क्या है, देखिएगा टाइप वन में होता क्या है, इसमें पूरी बात बता रहा हूं, देखो जैसे एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, पूरी बात इसका देखो वो बता रहा हूं आप लोगों को, चार्ट बता रहा हूं, तो एक चार्ट से समझा रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं इसका ना, क्या होगा जैसे ही एलर्जन
एलर्जन कुछ भी हो सकता है, जैसे ही एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एलर्जन एंटर करेगा और आपकी जो रेस्पॉन्सिबल कौन सी थी, आईजीई, कौन सी रेस्पॉन्सिबल थी, आईजीई एक्टिवेट, एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी आईजी एक्टिवेट हो जाएगी। और ये आईजीई जाकर किसके साथ जुड़ जाएगी, ये आईजीई जाकर जो है, ये आईजीई जाकर जो है वो किसके साथ में जुड़ जाएगी, मास्ट सेल के साथ में कनेक्ट विद या जॉइंड विद या बाइंड विद, ज्यादा बेहतर होगा लिखू बाइंड विद मास्ट सेल के साथ में जुड़ जाएगी जाकर आईजीई, मास्ट सेल के साथ में जुड़ जाएगी और मास्ट सेल के साथ में जुड़कर क्या रिलीज करवाएगी, रिलीज ऑफ हिस्टामिन सीरोटोनिन पेरिन ईटीसी, सबको क्या करवाएगी, रिलीज करवाएगी। और ये सब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपके पार्टिकल जो एलर्जिक जो रिएक्शन है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब क्या करवाएंगे, ये सिम्टम्स दिखाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है, ब्रेडिकाइनिन भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। ये सब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स। देखिए वापिस देखिएगा क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा बॉडी के अंदर एलर्जन एंटर करेगा, नेक्स्ट एंटीबॉडी आईजीई एक्टिवेट हो जाएगी, बाइंड विद मास्ट सेल के साथ में जुड़ेगी, विटामिन और सीरोटोनिन हिपेरिन प्रोस्टाग्लैंडिन उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रेडिकाइनिन इन सबका क्या कराएगी, सीक्रेशन कराएगी। और ये सब क्या कराएंगे, सिम्टम्स दिखाएंगे बॉडी के अंदर, क्या दिखाएंगे, सिम्टम्स। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से सिम्टम्स होंगे देखो, जैसे अगर बात करूं मैं, एक होगा यूट्रिक एरिया रेडनेस, पेलर है ना, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या होगा देखो, रेडनेस के अलावा यूट्रिक एरिया का मतलब होता है एलिवेटेड पैचेज, मतलब उभरा हुआ लाल दिखाई देगा, स्वेलिंग के अलावा हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी हाई नहीं होगा, यहां पर हाइपोटेंशन होगा, सारे सिम्टम्स जो है दिखाई देंगे और भी बहुत सारे हैं, स्किन पैचेज। हाँ, उसके अलावा एनजीओ एडिमा, ये भी अच्छा सिम्टम, वेरी गुड बेटा, एनजीओ एडिमा ये पढ़ रखी है गुड़िया ने, आपने पढ़ा हुआ है बेटा पहले, है ना, बैच में पढ़ा हुआ है शायद आपने असबा, हाँ, एनजीओ एडिमा, और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो है तो आपको दिखा चलिएगा। ये हमारी पहली हाइपर सेंसिटिविटी खत्म होती है, टाइप वन जो है ये खत्म होती है। चलिएगा नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, टाइप टू किसे कहते हैं, देखो पहला हो गया टाइप वन, अब देखो टाइप टू, टाइप टू को हम लोग बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। टाइप टू को क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, मतलब ये ब्लड रिलेटेड जो रिएक्शंस होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, अरे बेटा पढ़ लो आप, है ना गुड़िया, जो भी है आप पढ़ लीजिए प्लीज, सब बच्चों को पढ़ने दो, है ना, बाद में बात कर लेना आप, है ना। देखो ये ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है,
आईजीजी एंड आईजीएम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, रेस्पॉन्सिबल फॉर इस तरीके की रिएक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आईजीजी और आईजीएम के ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस होती है, ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस। मान लीजिए किसी को गलत ब्लड चढ़ गया, किसी को गलत ब्लड चढ़ गया या उसके आरएच इनकंपेटिबिलिटी हो गई, तो भैया किस तरीके की रिएक्शन दिखेगी? वहां पे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन ही दिखेगी। तो ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस आएगी, ब्लड रिलेटेड रिएक्शन जो है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आप लिखना चाहो लिख दीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मान लीजिए किसी के गलत ब्लड चढ़ गया है तो भैया कौन सी रिएक्शन दिखाई देगी? टाइप 2 रिएक्शन दिखाई देगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आरएच इनकंपेटिबिलिटी। आरएच इनकंपेटिबिलिटी का मतलब समझते हो ना आप लोग? ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप 2 रिएक्शन इनकी। क्लियर है बात? चलिए, दो हो गई बात खत्म हमारी। तीसरी टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी तो हम लोग बोलते हैं इम्यून, ये मैं बोलूं कि इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की यूज करता है आरएच इनकंपेटिबिलिटी। देखो टाइप 3। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं आज? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं आज, जिन्होंने पहली बार देखा है माइक्रोबायोलॉजी में ये? और यहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, और मैं एक जनरल नॉलेज ले रहा हूं आप लोगों के। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं आप ये रिएक्शन, आप आज पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? ईमानदारी के साथ, ईमानदारी से बताना। अब देखिए, अब आप सोचो, यही तो कह रहा हूं ना। अब देखो कितने सारे बच्चे हैं जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं। अब आप सोचो बेटा, अगर ये क्वेश्चन कल आ गया नोट सेट में, ये तो चलो मैंने पढ़ा दिया, अगर आ जाता तो आप लोग छोड़ के आते या नहीं छोड़ के आते? बिल्कुल छोड़ के आते ना। मैं इसीलिए कहता हूं हर चीज इंपॉर्टेंट है। आपको अब जो, अगर आप में से विश्वास नहीं हो, आप में से जो बच्चे बैच में पढ़े हुए उनसे पूछिएगा, ये सारी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी ही पढ़ाई हुई है, बैच में भी सब ऐसा ही पढ़ाया हुआ है। मतलब थोड़ा सा और ज्यादा चीजों को डिटेल में अच्छे से वहां पढ़ाया गया है हालांकि, लेकिन अब ये देखिएगा, ये सब चीजें पढ़ाई हुई है और ये आपको पढ़ना चाहिए भैया, क्योंकि सवाल आते हैं यहाँ से। चलिएगा, तीसरी रिएक्शन है, टाइप 3 रिएक्शन है, तो बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तीसरा है इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी का जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो, टाइप 3 रिएक्शन में क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब देखो ध्यान सुनना, इसमें क्या होगा, इसमें इसके लिए भी कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है बताओ जरा? इसके लिए भी अगर बात करें तो इसके लिए भी आईजीजी और आईजीएम ही रेस्पॉन्सिबल है। कौन सी है? आईजीजी। ध्यान से सुनना, अब इसकी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आईजीजी एंड आईजीएम रेस्पॉन्सिबल। इसके लिए भी कौन सी है? आईजीजी और आईजीएम ही रिएक्शन। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, जब एंटीजन एंटर करेगा तो हमारी जो एंटीबॉडी है वो इसके साथ में क्या करेगी? ग्रुप बना लेगी। क्या होगा? इन दिस, इसमें क्या होता है देखो, इन दिस एंटीजन बाइंड विद एंटीबॉडी। एंटीजन किसके साथ में जुड़ जाता है? एंटीबॉडी के साथ में जुड़ जाता है। नेक्स्ट,
स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अरे स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। चलिए इन दिस देख इसमें क्या होगा, इसके अंदर एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ में जुड़ जाएगा। और क्या होगा, एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ में जुड़ जाएगा, जैसे मान के चलिएगा मैं बता देता हूं ये एंटीजन है, क्या ये एंटीबॉडी है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, और ये दोनों जुड़कर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चले जाएंगी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर चले जाएंगी, जैसे आपके हार्ट के अंदर चले जाएंगी या फिर आपके जॉइंट्स के अंदर चले जाएंगी, यहाँ आर्थराइटिस क्यूज कर देंगे, या आपके हार्ट के अंदर चले गए तो रूमेटोइड आर्थराइटिस यूरियर हार्ट फेलियर रूमेटिक हार्ट फेलियर कर देंगे, जैसे जॉइंट किडनी तीन जगह चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे ये जॉइंट्स बना लेंगे और मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये चले जाएंगे, जैसे कहां कहां, जैसे जॉइंट्स में किडनी में और हार्ट में, कहां कहां चले जाएंगे, जैसे जॉइंट्स में हार्ट में और किडनी में, और जाकर क्या कर देंगे, अगर ये जॉइंट्स में गए तो हो जाएगा आर्थराइटिस, अगर जॉइंट्स में गए तो हो जाएगा आर्थराइटिस, अगर हर्ट में गए तो रूमेटिक हार्ट डिजीज और अगर ये किडनी में गए तो नेफ्राइटिस, क्या कर देंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या कर देंगे, नेफ्राइटिस क्यूज कर देंगे। अब क्या होगा देखिएगा, अब क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए तीनों ही घातक हैं, तीनों ही हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज एलर्जी, इसीलिए इसका एक और नाम है, इसीलिए इसको बोल देते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज हाइपर सेंसिटिव, इसका नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज हाइपर सेंसिटिव कहा जाता है। सवाल बहुत 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 बार पूछा भैया टाइप थ्री जो है वो किस लिए जरूरी, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून जो है ये क्योज करती है, ऑटो इम्यून डिजीज क्योज करती है। चलेगा ये टाइप थ्री हो गया, देखो मैं फिर से बता देता हूँ क्या बताया हमने, हाइपर सेंसिटिविटी, कॉमन एलर्जेंस, टाइप वन बताया मैंने पहले, फिर टाइप टू आपको बताया, फिर टाइप थ्री, अब बात करते हैं लास्ट हमारा टाइप फोर की बात, लास्ट हमारे बात करते हैं टाइप फोर की। सर यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत बार, अरे बहुत बनेगा, अभी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, पर बस यही ना कि यार कौन पढ़े, बस वो वाली बात है। चलेगा टाइप फोर, देखिएगा भाई टाइप फोर, इसको बोलते हैं डिलेड रिएक्शन, का नाम है डिलेड रिएक्शन भी कहते हैं, डिलेड रिएक्शन बेटा, मोस्ट फेटल टाइप थ्री होगी ना, आदमी की डेथ हो जाएगी भाई, पहली की वजह से तो नॉर्मल स्वेलिंग वेलिंग यूट्रिक एरिया और ये हुआ, सेकंड की वजह से चलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहां भी थोड़ा सा डेथ का चांसेस है, लेकिन यहाँ थर्ड में तो ऑटो इम्यून खुद की एंटीबॉडी जो है वो क्या कर रही है, चलो थर्ड आ गया डिलेड, थर्ड है डिलेड रिएक्शन, डिलेड हाइपरसेंसिटिव। देखो इसमें क्या होता है, पहली बात तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें क्या होता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो क्या होगा जैसे ही एलर्जन आएगा, क्या होगा इसके अंदर एलर्जन जैसे ही आएगा, एलर्जन के आते ही
टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट है क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, टी लिम्फोसाइट किसको एक्टिवेट करेगा, लिम्फोकाइनिन को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट करेगा लिम्फोकाइनिन को, काइनिन। और ये लिम्फोकाइनिन्स क्या करेंगे, ये लिम्फोकाइनिन जो है वो आपके ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल को एक्टिवेट कर देंगे। क्या होगा, ये आपके क्या करेंगे, एक्टिवेट एक्टिवेट न्यूट्रोफिल, या मैं लिखूं एक्टिवेट एक्टिवेट ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। अब कौन कौन से ग्रेनुलोसाइट, कौन कौन से ग्रेनुलोसाइट, जैसे बेसोफिल, इओसिनोफिल, और न्यूट्रोफिल को क्या कर देंगे, तो एक्टिवेट कर देंगे, तो को एक्टिवेट कर देंगे। और ये तीनों क्या करेगी, ये तीनों लगभग 48 से 72 घंटे बाद, आफ्टर 48 to 72 hours में क्या कर देगी, ये कि जो भी एलर्जन है उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, डिस्ट्रॉय एलर्जन क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि इसमें समय लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, 48 to 72 hours, 48 से 72 घंटे का समय लग रहा है इसमें, इसलिए इसका नाम भी क्या है, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें समय लग रहा है, डिले से हो रही है, धीरे से हो रही है, टाइम लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिलेड रिएक्शन। 48 से 72 घंटे, 12 से 72 घंटे, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, इसमें समय लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डिलेड हाइपर। ये हमारी चार तरीके की हाइपरसेंसिटिविटी, क्लियर है क्या बात, यहां हमने चार तरीके की जो है हाइपर सेंसिटिविटी की बात की है। एक बार वापस से देख लो, फिर मैं इनकी एमसीक्यू कराऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले जो हाइपर सेंसिटिविटी, उसका मतलब क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल एंटर करता है और उसकी वजह से सिम्टम दिखाई देते हैं, वो कहलाता है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। चार तरीके की होती है, सबसे पहली आपकी जिसको इमीडिएट हम बोलते हैं, एनाफाइलेटिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे ही एलर्जन एंटर करेगा, आईजीई जो है वो बाइंड हो जाएगी किसके साथ में, मास्ट सेल के साथ में, और हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का क्या करा देगी, सीक्रेशन करवा देगी, और उसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम्स दिखाई देंगे, सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। सेकंड में क्या होगा, सेकंड जो है वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आईजीजी आईजीएम रेस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड रिलेटेड के लिए होती है। थर्ड होता है ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड, ऑटो इम्यून से संबंधित है, जहां पर जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी है वो क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। लास्ट होता है आपका डिलेड रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट होती है और वो क्या कर देती है, वो जाकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर बोलूं कि वो डिलेड रिएक्शन दिखा। क्लियर है क्या, पहले तो ये बताओ क्लियर है क्या टॉपिक आप लोगों के, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है टॉपिक। रिएक्शन ये क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए। सभी की क्लियर है क्या, यस। चलिए अब इसके एमसीक्यू करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं इसको पढ़ के देखना, इसको पढ़ के देखना, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। ऑप्शन ए टाइप वन, मैं नाम नहीं बताऊंगा इनके, मैं लिखूंगा टाइप वन। ऑप्शन बी टाइप टू, ऑप्शन टाइप थ्री, ऑप्शन फोर, चलेगा क्वेश्चन। रेडी हैं आप लोग, चलिए इसके ऊपर चार पांच क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
चलिए देखते हैं, आइए एक एक सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल, एनाफाइलेटिक शोक, एनाफाइलेटिक शोक किसे कहते हैं? टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एनाफाइलेटिक रिएक्शन। पहला सवाल, एनाफाइलेटिक शोक रिएक्शन, जल्दी से बता दीजिए। नंबर फर्स्ट, पहला सवाल एनाफाइलेटिक शोक, पहला सवाल गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बोलिएगा एनाफाइलेटिक शोक, पहला सवाल एकदम 101% सही हो जाना चाहिए सभी का, एकदम आसान एकदम होना चाहिए बिल्कुल आप लोगों से। क्या हो जाएगा एनाफाइलेटिक शोक? बिल्कुल टाइप ए रिएक्शन जो होती है एनाफाइलेटिक शोक, बोल आ गया आपका, वेरी गुड 100%। नंबर सेकेंड, IgE bind with mast cell, IgE bind with mast cell in which type of एलर्जी, इनमें से किस प्रकार की एलर्जी में IgE मास्ट सेल के साथ में बाइंड होती है? IgE bind with mast cell in which type of allergy इनमें से किस तरीके की रिएक्शन? बताइएगा भैया, देवरम अभी बी लिख रहे थे बेटा, देवरम ने अभी बी लिखा था है ना, मैंने देखा था शायद, अब ए कर दिया देवरून, हाँ ठीक है। देखिएगा भाई, तो अभी बताया IgE किसके साथ में होगी, सेम होगा IgE आई टाइप वन रिएक्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर किया है भाई, ए होगा बेटा ए। चलिए नेक्स्ट, तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिम्फोकाइनिन प्रोड्यूस टाइप ऑफ एलर्जी तरीके की, चलिएगा बोल आ गया, ये रहा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, लिम्फोकाइनिन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एलर्जी, नहीं एलर्जी का मतलब एनाफाइलेटिक नहीं, एलर्जी खुद टाइप है बेटा चार तरीके से, चलिएगा। तो नंबर थर्ड, वेरी गुड, चलिए लिम्फोकाइनिन अभी बताया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर है, लिम्फोकाइनिन क्या करेंगे आपके डिलेड रिएक्शन को दिखाते। नेक्स्ट, तो नंबर नेक्स्ट, साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस, बताइए भैया वैसे कौन जो है साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस दिखाएगा, किस तरीके की जो एलर्जी है, किस तरीके की एलर्जी साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस को दिखाएगी? नेक्स्ट, अगला सवाल, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन को दिखाती है, कौन सी तरीके की रिएक्शन साइटोटॉक्सिक दिखाएगी? चलेगा भाई, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आपको, 91% बच्चों का बिल्कुल सही है। चलिए एक और सवाल, और अंतिम सवाल हमारा इस टॉपिक का, इम्यून रेस्पॉन्स टाइप ऑफ एलर्जी, इम्यून रेस्पॉन्स किस तरीके की एलर्जी है? बताइएगा भाई,
रेस्पॉन्स, वेरी गुड, क्या हो जाएगा सी टाइप थर्ड, ये बिल्कुल सही। यहां हमारे चार टॉपिक कंप्लीट हो गए। सबसे पहले इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, फिर इंफेक्शन और फिर लास्ट में हाइपरसेंसिटी। चारों टॉपिक किसके बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ गए हैं? चारों टॉपिक से कैसा भी सवाल आ जाए कर सकता है, जल्दी से बता दीजिए किसके एकदम सही दिमाग में बैठ गए, मजा आ गया चारों टॉपिक में। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं भाई, फिर हम लोग चारों टॉपिक एकदम क्लियर है, दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं, बता दीजिए फटाफट से, क्लियर है एकदम? चलिए बहुत, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला टॉपिक लेते हैं। अब कुछ देखिए इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, अब कुछ एमसीक्यूज करते हुए चलेंगे और फिर उन एमसीक्यूज के ऊपर एमसीक्यू कर रहे हैं, मस्त लग रहा है, पूरा क्लास घुस गया। अरे क्लास है, टॉपिक घुसा है, टॉपिक घुसाना था, क्लास नहीं है ना, दो तीन नहीं, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर अब उन क्वेश्चंस के ऊपर जो जो टॉपिक जुड़े हुए हैं मैं वो करा दूंगा, लेकिन ये चार जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं थ्योरी याद रखिएगा, यहां से बहुत एमसीक्यू आने वाले हैं। अब आइए अब एमसीक्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा भैया पहला सवाल, बिल्कुल पहला सवाल, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू द वैक्सीनेशन। चलिए गलती करनी ही नहीं चाहिए भैया, पहला सवाल और पोल आ गया, ये रहा वैक्सीनेशन बोला है, स्टरलाइजेशन कराऊं क्या, स्टरलाइजेशन भी चलिए कराएंगे, स्टरलाइजेशन भी कराएंगे। पहला सवाल, गलती की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं करवा चुका हूं, आपको बताया है, वैक्सीनेशन वर्ड आ गया भैया, गलती कहां करनी है, वैक्सीनेशन वर्ड आ चुका, क्या आंसर होगा, वैक्सीनेशन बताया था, वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी को देगा। अब वो आपको आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हमको तो हमारे आंसर से मतलब है, क्या हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज इन पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का प्राइमरी सोर्स क्या है। चलिए तो नंबर सेकंड ने बोला पैसिव इम्यूनिटी में, अब उसने ये नहीं बोला आपसे, चलो लिखो पहले करो फिर बताओ, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज इन पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं कितना समझ में आया है, ये अगर सवाल सही कर दोगे तो फिर मजा आ जाएगा, सवाल को अच्छे से पढ़ो, मैं फिर आपको समय दे रहा हूं, वो आपसे बोल रहा है पैसिव में, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने इस सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा है। पैसिव का मतलब होता है जहां बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है तो हमको एंटीबॉडी कहां से लेनी होगी, या तो रेडीमेड लेनी है हमको, तो बड़ी बनाई एंटीबॉडी लेनी है, मतलब आप देखो वैक्सीनेशन से नहीं लेनी हमको, हाँ नेचुरल एक्सपोजर पैथोजन का नहीं होगा, बॉडी के अंदर तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि बॉडी कोई काम कर ही नहीं रही, राइट आंसर क्या होगा अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम एनी, हो गया तो किसी एनिमल से ले रहे हैं क्योंकि बाहर से बनी हुई तो ले रहे हैं, एंटी टिटनेस सीरम क्या है, हाँ एआरवी क्या है, ये उन्हीं से तो बनाई हुई है, एटीन्यूटेड वैक्सीन जो हमने वायरस को लेकर बनाई है, या ट्रांसफर फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, और चलो ठीक है गलत नहीं होना था, इसको आप अगर दिमाग लगाते, देखो जहां आपको लगे ना कि आपसे नहीं हो रहा है आप ऑप्शंस को काटना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन को काटिए, पहला ऑप्शन काट दिया, दूसरा काट दिया, फिर दो बचे, अपने आप सही हो जाएगा, जहां आपको लग रहा है ना कि मेरे से ये नहीं हो रहा, राइट आंसर पे नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं, वहां ऑप्शन को काटना शुरू कर दीजिए,
और देखिए इस बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नोरसेट जो है इस बार वो समय का खेल है। इस बार पूरा खेल जो है समय का है। आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इस बार नोरसेट जो है वो समय का खेल है पूरा का पूरा। आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होंगे। और देखिए अब इस 18 मिनट में आपको जो है वो सही क्वेश्चन भी करने हैं। इस 18 मिनट में आपको जो है जो क्वेश्चन छोड़ना है वो भी छोड़ना पड़ेगा। और इस 18 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़कर उनका आंसर भी करना होगा। और 18 मिनट बाद वो सेक्शन अपने आप चला जाएगा, वापस भी नहीं आएगा। तो आप अगर कहीं ये सोच के बैठे हो कि 18 मिनट हो गए मैं बाद में कर लूंगा, नहीं, फिर ये 20 क्वेश्चन आपके हाथ से चले जाएंगे। फिर 18 मिनट का फिर एक सेगमेंट आएगा, उसके 20 क्वेश्चन, फिर 18 मिनट का एक सेगमेंट और आएगा, उसके 20। बार सबसे बड़ी जो मारामारी है वो है समय की। आपको फिर कह रहा हूं, इस बार जिसने दिमाग से काम कर लिया, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वो सब कुछ कर जाएगा। और जिसने समय का उपयोग नहीं किया, ना रिव्यू वाला सिस्टम नहीं है इस बार। रिव्यू आप करो लेकिन इस 18 मिनट में आप केवल इस सेगमेंट का ही रिव्यू कर सकते हो। आप रिव्यू कर सकते हैं लेकिन इस 18 मिनट में केवल इन 20 क्वेश्चन का ही रिव्यू कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, आप नहीं जा सकते इस सेक्शन पे दोबारा। यही तो सबसे बड़ा गेम है। अभी रिसेंटली जो यूपी यूएमएस का पेपर हुआ है, उसमें यही तो था। उसमें था ही क्या कि भैया जो सेगमेंट मिला था वो 40 क्वेश्चन का था, 40 क्वेश्चन का सेगमेंट था, समझ गए? और वो 40 क्वेश्चन करने थे आपको 20 या 25 मिनट में, कुछ टाइम बांटा हुआ था, 20-25 मिनट समथिंग कुछ बांटा हुआ था। रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है। रिव्यू केवल आप इस 18 मिनट में केवल और केवल इस सेगमेंट का कर सकते हो। अगला वाला तुरंत बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो इस बार जो गेम है वो पूरा मिनट का गेम है, समय का गेम है। हर बार गेम होता था क्वेश्चंस का। हाँ, 34 मिनट में 40 क्वेश्चन करना था, देख लीजिए, पूछ लीजिए। 34 मिनट में 40 क्वेश्चन करना था यूपीएमएस में। सेम ऐसे ही हमारे यहां पर है कि भैया 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। और इन 20 क्वेश्चन को आप इन्हीं को रिव्यू कर सकते हो, इन्हीं को देख सकते हो। ना आप आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो। आपको जो 18 मिनट मिल रहे हैं ये आप केवल और केवल इन 20 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाए। समझ गए? नोट सेट का इस बार अटेम्प्ट बदल गया है। सेक्शन चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है इस बार। सेक्शन चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। वो सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे ही 20 मिनट खत्म होगी सेक्शन अपने आप बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सेक्शन ऑटोमेटिकली बदलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है सर हर सेक्शन में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? रिस्क देखिएगा, रिस्क आपको जब ही लेना है जब आपको लगे कि आप जो है वो कुछ कर पा रहे हैं। मतलब लग रहा है कि आपको भैया सिलेक्शन, देखो आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में ही जो है आपको लग रहा है कि फर्स्ट सेक्शन में आपके क्वेश्चन अच्छे खासे सही हो गए, आपको लग रहा है कि आपने वहां 16 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो फिर उन 2 क्वेश्चन के लिए आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको नहीं आते हैं 2-3 नहीं रिस्क लेना, ठीक है? हाँ, लेकिन रिस्क जब लीजिए कि लग रहा है कि हाँ यार सही हो जाएगा, मन बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा, तभी लीजिए, नहीं तो मत लीजिएगा भैया, तो मत लीजिए। सर नो नर्सिंग मिक्स आएंगे या अलग से आएंगे? देखो भैया मिक्स ही आने की पॉसिबिलिटी, पूरी पूरी चांसेस है मिक्स आएंगे। जैसे यूपी यूएमएस में मिक्स आया था, यहां भी मिक्स आने के चांसेस है। हर बार अलग से सेगमेंट होता था लेकिन अब नहीं होगा, पर मिक्स ही आने के चांसेस है। हाँ बिल्कुल, समय का ही तो खेल है। जैसे जैसे वो जो काउंटिंग जो है ना वो माइनस में जाती रहती है, वो काउंटिंग ऐसे 1 मिनट से शुरू नहीं होती है, वो उल्टी चलती है। 18 मिनट, 17 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट, ऐसे उल्टा आता है। और वो देख के बच्चे का प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। अरे यार 14 मिनट बची है, अरे यार 10 क्वेश्चन रह गए, अरे यार 2 मिनट रह गई, 10 क्वेश्चन रह गए, समझ रहे हो? तो वो जो समय का जो खेल है ना वही सबसे बड़ा मुश्किल पैदा कर देगा। ये समय को थोड़ा सा सही उपयोग कीजिए। चलिएगा आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन बट ओनली लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। भैया आपको सांप ने काटा, आपने इंजेक्शन लगवा लिया, बस काम खत्म। अब दूसरी बार फिर से स्नेक काटेगा तो ये थोड़ी ना कि पहले लगवा लिया वही काम चल जाएगा, नहीं ना। चलो सीधे समझ गए होंगे, आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर सवाल समझ गए हैं तो फिर आंसर आ जाना चाहिए। देखो सवाल क्या कह रहा है कि भैया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ओनली लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब मान लो आपको कुत्ता काटा, आपको कुत्ते ने काटा, आपने जाकर एआरवी लगवा लिया। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपको अब आपको जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी मिल गई, नहीं ना। अगर आप हॉस्पिटल से बाहर आए और आपको फिर से काट लिया कुत्ते ने, तो भैया फिर से एआरवी लगवानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने साहब आ रहे मैं तो अभी अभी लगवा के आया हूँ, नहीं, आपको फिर से लगवानी पड़ेगी। तो पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो राइट। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। नंबर थर्ड और पोल आ गया आपकी स्क्रीन पर, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, बताइएगा जरा। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, भाई अभी अभी गाड़ी चला रहे थे, अभी अभी गाड़ी चला रहे थे, गिर गए। करो करो करो। अब देखो जैसे मैंने एक लाइन बोली, बच्चों के आंसर बदल गए, कुछ बच्चों के आंसर बदल गए। जैसे ही मैंने एक लाइन बोली अभी आंसर बदल गए बहुत सारे बच्चों के। एक बात बताओ, पैसिव इम्यूनिटी में विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन आपको याद होना चाहिए पैसिव इम्यूनिटी में केवल कोलोस्ट्रम होता है बेटा। अब एक बात बताओ, एक बच्चा है 4 महीने का हो चुका, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो क्या उसको एंटीबॉडी थोड़ी ना मिल रही है? तो पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिल रही ना उसको। पैसिव इम्यूनिटी केवल कब मिलेगी? कोलोस्ट्रम पीरियड में। कोलोस्ट्रम हम लोग लिखते हैं ना, मेरी बात समझ में आ रहा है? जहां जिसने इसको ब्रेस्ट फीडिंग आंसर किया है वो जरा वापस रिवाइज करो बेटा, हमने लिखा है कोलोस्ट्रम ना कि ब्रेस्ट फीड, हमने लिखा है कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट फीडिंग। भैया जब कोलोस्ट्रम आता है केवल उसी टाइम जो है वो एंटीबॉडी मिल रही है, उसके बाद तो बच्चा 6 महीने तक जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो भैया वहां पर थोड़ी ना इम्यूनिटी मिल रही है, वहां पर थोड़ी ना इम्यूनिटी मिल रही है। बात समझ में आ रहे हो? टिटनेस वैक्सीन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? टिटनेस, गिर गए, टिटनेस वैक्सीन लगाया, एंटी टिटनेस सीरम, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो, क्लियर है बात? चलेगा, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। हाउ एक्टिव इम्यूनिटी टिपिकली इंड्यूस, चलिए बता दीजिएगा, बता रखा है पोल, आंसर कर दो। हाउ एक्टिव इम्यूनिटी टिपिकली इंड्यूस, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे इंड्यूस होती है, जल्दी से बताएं। बताओ देखिएगा भैया, सवाल है एक्टिव इम्यूनिटी कैसे इंड्यूस होगी। एंटीबॉडीज का अगर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तो वो तो पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ही एंटीबॉडीज दे रहे हो तो वो तो पैसिव हो जाएगी। तो ए वाले जो भी कर रहे हैं गलत है। चलो जेनेटिक इनहेरिटेंस, कोई एंटीबॉडी नहीं है, डी गलत हो गया। बाय रिसीव प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर आपने दे दी भैया तो वो तो पैसिव हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? या वीकेंड या डेड पैथोजन को एंटर करवाया, या वीकेंड या
जो आपने कमजोर या डेड पैथोजन को एंटर करवाया तो राइट आंसर क्या, बी इज द राइट आंसर। सर पहले क्वेश्चन में वो मैं तो टिटनेस वैक्सीन था, कैसे पैसे तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं चोट लगने के बाद में, हम लोग चोट लगने के बाद में एंटी टिटनेस सीरम लगवा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे तो फिर वो आएगा पैसिव। अगर आप वैक्सीनेशन फॉर्म में लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन फॉर्म में लगता है ना टिटनेस, कई बार बच्चों में से प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं मैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी में टिटनेस लग रहा है, टीडी टिटनेस टॉक्सॉइड लग रहा है, वो आएगा किस में, एक्टिव वैक्सीनेशन में। लेकिन अगर टिटनेस वैक्सीन लगवा रहे हैं हम लोग, मेरी बात को ध्यान सुन लेना, अगर चोट लगने के बाद में टिटनेस लगवा रहे हैं तो भैया क्योंकि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी चला गया वो बॉडी के अंदर और उसको मारने के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये थोड़ी ना कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, नहीं, तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को प्रिवेंट कर सके, वो आता है आपके पैसिव में। समझ गए मेरी बात? अगर आप लोग बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी में, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो टीडी टिटनेस टॉक्सॉइड लगा रहे हैं, तो वहां आंसर होगा आप लोगों का क्या, अगर आ जाए ए टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन इज इंट्रोड्यूस इनटू द प्रेग्नेंट फीमेल, तो विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो फिर वहां आ जाएगा एक्टिव। लेकिन अगर चोट लगने पर आप लोग क्या कर रहे हैं टीटी लगवा रहे हैं, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, क्या बात, यहां राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही। चलेगा नेक्स्ट, अगला सवाल, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी मोस्ट अबंडेंट ब्लड एंड इन्वॉल्व इन द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, मोस्ट अबंडेंट बोल दिया तो फिर आंसर तो आगे जाना ही नहीं चाहिए भैया, मोस्ट अबंडेंट बोल दिया, मोस्ट अबंडेंट बोला है, गलती नहीं करनी चाहिए भैया। मोस्ट अबंडेंट बोला है, गलती नहीं करनी चाहिए भैया। अरे भैया तुम दिमाग काहे नहीं लगा रहे हो बे, ऑप्शन नहीं है क्या, अरे सॉरी मोस्ट अबंडेंट है लेकिन ऑप्शन में आईजीजी नहीं है ना, तो जी कर दो इसको, आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग, एंटीबॉडी प्राइमरी फाउंड इन द सीक्रेट सच एज टीयर सलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क, पता रखा है गलती मत करना, चलेगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा यहां पर, आईजीए बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही। चलिएगा नेक्स्ट, एंटीबॉडी एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन, मेरे हिसाब से शब्द पढ़ने से आंसर आ जाना चाहिए आप लोग, एक वर्ड पढ़ने से आंसर आना चाहिए, एलर्जिक रेस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, आईजी एलर्जिक रिएक्शंस बोलिए भाई लोगों, आईजीई, आईजी आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी आंसर है। चलेगा हम लोग यहां तक की बात करेंगे भाई आज, पर यहां तक आप लोगों को पहले भी बताइए समझ में आया या नहीं आया, यहां तक की सब चीजें समझ में आई या नहीं आई, हाँ यहां तक सब कुछ समझ में आया, यहीं तक बातें करेंगे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जो जो पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फटाफट से ये बताइए आप लोगों को यहां तक की चीजें सब कुछ समझ में आई या नहीं आई, मजा आया या नहीं आया, हैव यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, मजा आया या नहीं आया जल्दी से बताइए, यहां तक सब कुछ संबंध शानदार रहा, हाँ एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर बहुत काम हो जाएगा, फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है एक बार इसको रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
कैसा रहा, मजा आया या नहीं आया ये बताओ। हैव यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, मजा आया एकदम आप लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। मोमिता, कामना, आराधना, मानसी, प्रभुसा, पंकज, प्रीति, प्रणाली, सिद्धाता, असबा, देवरून, बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, है ना। चलो यूट्यूब पे लिख, ठीक है, बहुत मजा आया। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, और पढ़ के जाना अच्छे से, एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, नोट सेट के लिए। आप अच्छे से मेहनत करें, और याद रखिएगा आपने मेहनत की है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लास्ट एक लाइन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। बस मेहनत करते जाइए, आपको जरूर मंजिल मिलेगी और जरूर आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले पोर्शन में, अगले मैराथन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।